हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हम आपसे बात करेंगे उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के बारे में। जैसे कि हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि एक न्यू अपडेट आया है, एक न्यू नोटिफिकेशन आया है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है उत्तराखंड टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट UTET 1 और 2 जो है वो शुरू हो चुका है। अब हम आपको बताएंगे कि आपको वो फॉर्म कैसे भरना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस दी हुई है। ये जो आप गाइडलाइंस देख रहे हैं ये ऑफिशियल साइट है उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की। जो इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसका जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आप वहाँ से जाके अपने आप को इस लिंक पर रीडायरेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका चॉइस है। अगर आपको हिंदी में पढ़ना है आप हिंदी में क्लिक कर सकते हैं, अगर आपको इंग्लिश में पढ़ना है तो आप इंग्लिश में क्लिक कर सकते हैं एज़ पर एज़ योर विश। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कुछ न्यू चीज़ें हैं। जैसे ये कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं फ्रॉम द वेबसाइट, जो ये वेबसाइट गिवन है उस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको ये जो कुछ नोटिफिकेशन है जो आप ध्यान से पढ़ेंगे, बिकॉज नोटिफिकेशन इन्होंने तभी दी है, यहाँ पे लिखा हुआ है इम्पॉर्टेंट है ये, और इम्पॉर्टेंट ये गाइडलाइंस है जिसकी वजह से जिसके थ्रू आपको हेल्प मिलेगी ताकि आप जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो भर सके। आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको इंश्योर करना है, जब भी हम एक एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तो हमें सबसे पहले एलिजिबिलिटी देखनी पड़ती है। क्या हम एलिजिबल हैं उस फॉर्म को भरने के लिए, क्या जो क्राइटेरिया हमें दिए हुए हैं क्या वो सारी क्राइटेरिया हम पास कर रहे हैं, आर वी एबल टू यू नो कंसिडर ऑल द क्राइटेरिया, ऑल द एलिजिबिलिटी लेवल, ऑल द गाइडलाइंस प्रोवाइडेड टू अस। तो आपको ये सारी चीज़ें चेक करनी है पहले, आप एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले क्या आप एलिजिबल हैं इस टेस्ट को देने के लिए या नहीं। आपको जो इन्फॉर्मेशन ब्रोचर है इन्होंने लिखा हुआ है वो बोर्ड वेबसाइट पे ऑलरेडी अपलोडेड है, जिसका लिंक भी दिया हुआ है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ से देख सकते हैं जो ब्रोचर है। आप यहाँ पे देखेंगे तो कैंडिडेट जब एंटर करेगा तो कुछ इन्फॉर्मेशन होंगे जो उसको डेट जो डालनी होगी, जैसे आपके नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, DOB। बट वो जो सारी इन्फॉर्मेशन डालेंगे वो जो क्लास 10th का जो हमारा सर्टिफिकेट होता है बोर्ड्स का रिजल्ट का सर्टिफिकेट, उसके अकॉर्डिंग ही डालनी चाहिए। अकॉर्डिंगली और भी कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है, जैसे कि एग्जामिनेशन फीस के बारे में भी गिवन है। जो कैटेगरी है कैटेगरी के हिसाब से ये आपको फीस भरनी है। जैसे पहला फॉर A1 एग्ज़ाम या फिर UTET 1 और 2, जो किसी को एक एग्ज़ाम भरना है और वो जनरल कैटेगरी या OBC में है तो उन्हें 600 देना है। जिसको दोनों एग्ज़ाम देना है और वो जनरल और OBC में है तो उन्हें 1000 रुपीज़ पे करना है। अकॉर्डिंगली जो दूसरी कैटेगरी उन्होंने बताई है वो है SC ST डिफरेंशियली एबल्ड पीपल और पर्सन, जिनको एक एग्ज़ाम देना है या फिर UTET 1 या फिर UTET 2, वो 300 रुपीज़ भरेंगे, और जिनको दोनों देना है वो 500 भरेंगे। तो कैटेगरी के हिसाब से आपको पे करना है, आप वो देख लीजिएगा। अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैंडिडेट जो है वो बोर्ड वेबसाइट से 29 जनवरी, यानी आप जैसे देख सकते हैं आज जो है वो 31st है, आप परसों से स्टार्ट कर सकते थे, और आपका जो लास्ट डेट है वो भरने का वो है 18 फरवरी, यानी अभी आपके पास 19 डेज हैं। इनफैक्ट 18 डेज ही बोलते हैं, बिकॉज आज को हम कंसिडर नहीं करेंगे, और ना 18th को या फिर आज को कंसिडर मत कीजिए, 18th को मत कीजिए, बिकॉज सोचने के लिए आपको टाइम चाहिए होगा। अलॉन्ग विद दैट जैसे कि आप देख सकते हैं 18 डेज है आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए, और यहाँ पे बहुत अच्छे से स्पेसिफिकली मेंशन है कि 18 फरवरी के बाद का जो फॉर्म है अगर एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाता है तो वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। अब आप आगे देख सकते हैं कि जो एडमिट कार्ड है वो बोर्ड वेबसाइट में अपलोड हो जाएंगे, जो एग्ज़ाम होगा उसका जो एडमिट कार्ड है वो अपडेट हो जाएगा बोर्ड वेबसाइट में। उसके लिए हम जब एडमिट कार्ड निकलेगा एक न्यू वीडियो अपलोड कर देंगे हम लोग आपको नोटिफाई करते हुए। इसलिए हम चाहते हैं कि आप इस चैनल को फॉलो करें ताकि आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिलती जाए। अलॉन्ग विद दैट आप यहाँ देख सकते हैं कि पर कैंडिडेट बस एक ही एप्लीकेशन फॉर्म भर सकता है एक एग्ज़ाम के लिए। मल्टीपल अगर आपने एक एग्ज़ाम के लिए बहुत सारी एप्लीकेशन फॉर्म भरी है तो वो रिजेक्ट हो जाएगी अपने आप। अलॉन्ग विद दैट आप यहाँ देख सकते हैं जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फैक्स, पोस्ट, मेल से नहीं आप दे सकते, आपको सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ही भरनी है, क्योंकि अगर आप ऐसे भरेंगे तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ पे लिखा है कि जब आप फाइनल सबमिशन कर देंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का तो आपकी जो आपकी जो रिक्वेस्ट होगी चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो वो चेंजेस के रिगार्डिंग एक्सेप्ट नहीं होंगी। तो आप ट्राई कीजिए, आप ध्यान रखिएगा जब आप अपनी इन्फॉर्मेशन भरे आप तब सारी इन्फॉर्मेशन सही भरे, कुछ गलत ना भरे, बिकॉज बाद में जो करेक्शन है वो लोग नहीं एक्सेप्ट करेंगे। जब आप ये सब कर लें तो आप अपने आप को एक्नॉलेज करेंगे कि हाँ मैंने ये सब पढ़ लिया है, और आप आगे प्रोसीड करेंगे रजिस्ट्रेशन करने के लिए।
जैसे कि हमने आपको बताया था, आप इन्फॉर्मेशन ब्रोशर जो है यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आप यहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड कर लीजिएगा। अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे अपना नेम, अपना पेरेंट्स नेम वगैरह सब लिखेंगे, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आई वुड सजेस्ट कि वो ही लिखिए जो आप यूज़ करते हैं, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो आपके ईमेल आईडी है वो वेरिफिकेशन मांगता है। जो आपके मोबाइल नंबर है वो भी रजिस्टर्ड होना चाहिए, वो भी रजिस्टर्ड होता है इस साइट में। और अगर आप कभी आपको कोई प्रॉब्लम हो आगे, तो आपको मोबाइल नंबर और जो ईमेल आईडी है उसके थ्रू आपको हेल्प मिलती है। तो इस वजह से हमें आई वुड सजेस्ट कि आपका जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वो आप अपना पर्सनल डालें, ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कैप्चा कोड है, आप यहाँ पे जो नंबर है वही सेम गिवन नंबर लिखेंगे, और जो सारी इंफॉर्मेशन लिखने के बाद अपने आप को एनरोल कर देंगे। जैसे कि जो OTP है वो मेरे फ़ोन में आ चुका है, लेट्स सी कितना टाइम लगाते हैं। ऑन द स्पॉट ही आ चुका है OTP, आप देख सकते हैं। जैसे जब भी वो OTP वेरीफाई हो जाएगा, तो जो मेरी लॉगिन डिटेल्स हैं वो मेरे नंबर पे आ जाएंगे। अलॉन्ग विद दैट, अगर मुझे अप्लाई करना है इसके लिए, तो मुझे यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अब मैं एप्लीकेशन फॉर्म भर चुकी हूँ। अगर मुझे दोनों के लिए भरना है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। अगर आपको एक के लिए भरना है, आप अकॉर्डिंगली जो भी आपको भरना है आप उसी पर क्लिक करेंगे। आपको अपने सारे कैटेगरीज, क्योंकि हमने पहले भी बताया था आपको कि आपको कैटेगरी के हिसाब से जो है वो भरना है, आपको कैटेगरी के हिसाब से पेमेंट करनी है। तो आपको अपना कैटेगरी बिल्कुल राइट लिखना है। अगर आप जो भी कैटेगरी लिखते हैं उसके हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, तो गाइस प्लीज़ अपना जो कैटेगरी है वही लिखिएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं आपकी जो लैंग्वेज है आपको वही लिखनी है। अकॉर्डिंगली आप अपनी सारी डिटेल्स यहाँ पर भरेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। जब आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर देंगे और उसे सेव कर देंगे, तो आपको अपनी फ़ोटो अपलोड करनी होगी, फिर आपको प्रिव्यू करना होगा। उसके बाद जब आप प्रिव्यू करेंगे, तो आप सारी अपनी डिटेल्स प्लीज़ अच्छे से चेक करिएगा, क्योंकि आप कुछ गलती ना करें। उसके बाद आपको पेमेंट करनी है। जैसे कि हमने पहले आपको बताया था कि आपकी जो पेमेंट होगी वो कितनी होगी, आपकी कैटेगरी के हिसाब से होगी। जब आप पेमेंट कर देंगे, तो फिर आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो उनके पास रजिस्टर हो जाएगा, और आपका जो सबमिशन है एप्लीकेशन फॉर्म का वो एंड हो जाएगा। उसके बाद जो आपकी जो बाकी नोटिफिकेशन है वो आपके रजिस्टर्ड फोन और ईमेल आईडी में आती रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर आपको उन्हें डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करना है, तो ये हेल्पलाइन नंबर है और उनका ईमेल आईडी, आप यहाँ से भी उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये ऊपर बहुत क्लियरली उन्होंने हेल्पलाइन बोल्ड करके लिखा हुआ है। अलॉन्ग विद दैट गाइस, आई वुड सजेस्ट कि आप इस चैनल को फॉलो करें, बिकॉज ये चैनल आगे आने वाले जो उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के जो सारे एडमिट कार्ड रिजल्ट, एग्ज़ाम नोटिफिकेशन है, सबके बारे में वीडियोस अपलोड होती रहेंगी। और आपको सिर्फ ये उत्तराखंड बोर्ड के बारे में नहीं, बट और भी बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम होते हैं, स्कॉलरशिप होते हैं, रिक्रूटमेंट पॉलिसीज होती हैं, उन सबकी नोटिफिकेशन यहाँ पर मिलेगी। थैंक यू। आई होप योर डे गोज़ वेल।